नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चार का चक्रव्यूह। चार का चक्रव्यूह में आज बात होगी चार बड़ी खबरों की, तो शुरुआत कर लेते हैं चार तस्वीरों के साथ। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं चार बड़ी खबरों पर विस्तार से आज बात की जाएगी। पहली बड़ी खबर है गुजरात से, जहां जनता को एक बड़ी सौगात मिली है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुनवाई में क्या कहा ये भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर पंजाब में चल रहे सियासी बवाल से जुड़ी हुई है, दरअसल बीते कई दिनों से चल रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अब भी विचार जारी है। वहीं चौथी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां बारिश ने बीएमसी की पोल खोल कर रख दी है और बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है। तो चलिए सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कुछ ही देर में करेंगे। ये देश का पहला रीडेवलप रेलवे स्टेशन होगा और यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन का अहम रोल भी रहा है। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ बचपन में कभी नरेंद्र मोदी ट्रेन में चाय बेचा करते थे। इस बीच वडनगर रेलवे स्टेशन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में रेलवे स्टेशन किन किन सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर गुजरात की जनता को सौगात देंगे। इसी के साथ वो स्टेशन के बिल्डिंग के ऊपर बनाए गए एक लग्जरी 5-स्टार होटल का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात सरकार के अधिकारियों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। नए रेलवे स्टेशन की इमारत के ऊपर बनाया गया 5-स्टार होटल 250 फुट ऊँचा है। ये होटल 7,400 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें 318 कमरे हैं। इसे 790 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये लग्जरी होटल गांधीनगर के महात्मा गांधी में होने वाले कार्यक्रम के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों के लिए सेवाएं देगा। महात्मा गांधी एक कन्वेंशन सेंटर है जो ठीक इस रेलवे स्टेशन के सामने है। एक खबर के मुताबिक गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन के साथ सिर्फ 5-स्टार होटल ही नहीं होगा, बल्कि आने वाले लोगों में ये बड़ा एक इकोनॉमिक जोन भी होगा। इस स्टेशन को रीडेवलप करने वाली कंपनी गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एसएस राठौर ने कहा कि स्टेशन के साथ 7,600 वर्ग मीटर का क्षेत्र छोड़ा गया है, जहाँ भविष्य में मॉल, फूड कोर्ट और मल्टीप्लेक्स का विकास किया जाएगा। इसे लोक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर चलाया जाएगा। दिव्यांगों के लिए भी इसमें विशेष सुविधाएं होंगी। राठौर ने कहा कि गांधीनगर के नए स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। इसमें 2 एस्केलेटर, 3 लिफ्ट और प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाले 2 अंडरग्राउंड सबवे हैं। ये स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली है, उनके लिए पर्याप्त रैंप और विशेष टिकट काउंटर, लिफ्ट, अलग से पार्किंग स्पेस का भी सुविधा दी गई है। बता दें गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन देश का पहला रीडेवलप स्टेशन है। इसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2017 में रखी थी। इस स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है। ये एक विशेष प्रयोजन कंपनी है जिसने गुजरात सरकार और रेल मंत्री की हिस्सेदारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद की साइंस सिटी में एक नेचर पार्क और रोबोटिक गैलरी और एक एक्वाटिक पार्क जैसे कि 3 नए अट्रैक्शन का भी उद्घाटन किया उन्होंने। साइंस सिटी में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एक्वाटिक गैलरी देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम होगा। यहां दुनिया भर की 11,600 मछलियां और समुद्री जीव जंतुओं को देखा जा सकेगा। वहीं रोबोटिक गैलरी में करीब 80 तरह के और 200 से ज्यादा रोबोट होंगे और नेचर गैलरी में जानवरों की मूर्तियां होंगी। इसकी लागत क्रमशः 127 करोड़ रुपए और 14 करोड़ रुपए है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन से एक कहानी और जुड़ी हुई है। दरअसल इसी रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय भी बेचा करते थे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे पीएम नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे।
स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी अपने पिता के काम में बराबर हाथ बांटते। जब कभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुका करती तो वो उसमें चाय बेचा करते थे। एक्टर अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू के दौरान भी पीएम मोदी ने बताया था कि ट्रेन में चाय बेचते थे और उन्हें लोगों को समझने का मौका भी मिला। इस दौरान कई लोग उन्हें डांटते तो कई समझाते भी थे। पीएम मोदी ने उस समय बताया था कि कभी कभी मालगाड़ी से मुंबई के कारोबारी भी वहां पहुंचते थे, तब हम उन्हें चाय पिलाते थे और उनसे बात किया करते थे। ऐसे करते करते हिंदी सीख ली, यानी कि गुजरात जानने समझने वाला नरेंद्र ट्रेन में चाय बेचते बेचते हिंदी बोलना सीख गए। वहीं बता दें कि स्टेशन में 300 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा, धार्मिक प्रार्थना घर, एलईडी डिस्प्ले लॉन्च के साथ आर्ट गैलरी, बेबी फीडिंग रूम, एसी वेटिंग हॉल, बड़ी टिकट सुविधा के साथ दुगनी ऊंची लॉबी समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा यहां दिव्यांगों का खास ख्याल रखा गया है। इनके लिए एक विशेष बुकिंग काउंटर, रैंप, लिफ्ट और पार्किंग के लिए भी खास जगह तैयार की गई है। इसके अलावा भी स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए कई सुविधाएं शामिल हैं। बता दें, जानकारी के मुताबिक 318 कमरों वाले इस लग्जरी होटल की कमान निजी हाथों में ही होगी। ये 7400 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसका निर्माण 790 करोड़ रुपए में हुआ है। आगे कहा गया है कि ये होटल महात्मा गांधी में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने चाहिए। टैंकर चिन्हित निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हो ताकि आस पास के भक्त गंगा जल को इकट्ठा कर सके और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में उसका अभिषेक कर सके। इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील सीएस वैद्यनाथ से पूछा कि कांवड़ यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है। इस पर वैद्यनाथन ने कहा कि धार्मिक महत्व के चलते मंजूरी दी गई है। वैक्सीनेशन और नेगेटिव आरटीपीसीआर के आधार पर अनुमति है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक और मौका देना चाहते हैं विचार करने का। आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं। हम सब भारत के नागरिक हैं और सबको जीवन का मौलिक अधिकार भी है। अब आपको सोमवार तक का समय दे रहे हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरी आदेश देना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार हलफनामा दाखिल करे और बताए कि क्या सरकार तैयार है यात्रा को अनुमति न दी जाए। सोमवार सुबह तक हलफनामा दे, हमारा शुरुआती विचार यही है कि ये मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। बता दें, यह अधिकार सर्वोच्च है। सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती है। आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई गई थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया था। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अब सख्त हो गई है और 24 जुलाई से हरिद्वार बॉर्डर को कांवड़ियों के लिए सील कर दिया जाएगा। डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के लोगों की क्या राय है वो भी आपको सुनाते हैं। Yes.
इसी महीने के अंत से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यकता के अनुसार आरटीपीसीआर की टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य देखते हुए जो अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए हैं। तो वही उत्तराखंड सरकार ने अभी कांवड़ यात्रा को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर अभी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी पर यहाँ लोग मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर क्या राय रखते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हरी झंडी दे दी है कांवड़ यात्रा को लेकर, तो वही दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने अभी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ है वह हटेगा। योगी सरकार ने पूर्व उसके साथ कार्य की यात्रा होगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, उनका भी पॉजिटिव निर्णय आएगा कि यात्रा होगी और पूरी तरह की तैयारियां चल रही है। उत्तराखंड की सरकार भी कहेगी कि यात्रा होनी चाहिए और हमारे सब लोग हैं जो यात्रा बिल्कुल करना चाहते हैं और कांवड़ सब कांवड़िया हैं, इनको बड़ा उत्साह है, चाहे अनुपचारित है मगर यात्रा 100% होनी चाहिए। कितने काम से कांवड़ ला है? मैं 2002 से कांवड़ ला रहा हूँ और कंटिन्यू कांवड़ ला रहा हूँ। आपको लगता है कि यात्रा जो है उसको चलाना चाहिए? बिल्कुल, यात्रा इस बार होनी चाहिए, जो लोगों में उमंग बाकी है वो पूरी होनी चाहिए। सब तैयारियाँ हो चुकी हैं और सब डीजे तैयार है, यात्रा तरीके से हमारा भरोसा। आपको लगता है किस तरह से कोरोना चल रहा है ऐसे में यात्रा को चलाना चाहिए? नहीं, इसकी भी लोग को सावधानियां बरतें और सरकार इसका पूरा पालन कराएगी कोरोना का और सिस्टम से यात्रा होनी चाहिए। तो जिस तरह से अभी पवन जी ने बताया कि सिस्टम से यात्रा को चालू रखना चाहिए, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के जितने भी तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो मंदिरों का तमाम जो भाग है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, जो तैयारियां हैं उनका भी जायजा ले रहे हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम है आपका? सुखी। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या राय है आपकी? होनी चाहिए सर। कितने साल से कांवड़ लेकर जा रहे हैं? 6 साल से। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है, होना चाहिए लोगों में बिल्कुल उत्साह है कांवड़ को लेकर, लोगों की राय है कि कांवड़ को सुचारू रूप से चलाया जाए। जो कांवड़ की है हर साल बड़े हर्षोल्लास से कांवड़ लेकर आते हैं और इस बार भी जो कांवड़ियां हैं उनकी तमाम तैयारियां हैं कांवड़ को लेकर। बुलंदशहर से न्यूज वन इंडिया के लिए लोकेश कुमार। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जारी जंग अब खुलकर सामने आ गई है। बीते दिन इस तरह के संकेत मिले कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब ब्यूरो का अध्यक्ष बना सकती है। इन्हीं संकेतों के बाद बवाल बढ़ गया और नाराज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग बैठक बुला ली। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही दोनों गुटों में पोस्टर वॉर भी चल रही है। इस पूरे विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं और आज सुबह उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करी। पंजाब में पार्टी यूनिट के दो पार होने के आसार बढ़ने लगे हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने ताजा डेवलपमेंट को देखते हुए मंथन किया। वही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की आस लगाए बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने साथियों के साथ मीटिंग की थी। जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार में मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर मीटिंग की थी। उनके साथ ही करीब 5 मंत्री और 10 विधायक शामिल हुए थे। इन दो बैठकों के बाद ऐसा लगने लगा कि पंजाब का मसला अब हाथ से निकलता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बयान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि मुख्यमंत्री का पद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही रह सकता है। हरीश रावत के इसी बयान के बाद पंजाब कांग्रेस में दंगल शुरू हुआ था। इस बयान के बाद हरीश रावत की एक बार फिर नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई थी। हरीश रावत के मुताबिक ये मुलाकात उत्तराखंड के मसले पर थी।
लेकिन इस मीटिंग के बाद हरीश रावत ने अपने सिद्धू वाले बयान पर सफाई दी और कहा कि उनका बयान गलत तरीके से दिखाया गया था। जैसे ही ये संकेत मिलने लगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल सकती है, उनके समर्थक जोश में आ गए। पंजाब के लुधियाना में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू की पुकार का जिक्र हुआ और लिखा गया कि बब्बर शेर एक ही होता है। इनके अलावा पंजाब के कई इलाकों में कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी पोस्टर लगाए गए जिनमें पंजाब का असली कैप्टन उन्हें ही बताया गया। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की ये जंग कहां जाकर रुकती है, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। तो बता दें पंजाब में सियासी बवाल जो उठा हुआ है उसके बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली पहुंचे थे। सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। पिछले काफी समय से कांग्रेस पंजाब में काफी बवाल मचा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ये बवाल चल रहा है जिसके बाद पोस्टर वॉर भी देखा गया। हालांकि इन सब के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी से उन्होंने आज सुबह मुलाकात की। क्या खुशखबरी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए खुशखबरी होगी? मुंबई में आज सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। अंधेरी, कुर्ला, हिंदबाता, सायन और चेंबूर में सड़कों पर पानी भर गया है। पानी की वजह से अंधेरी सब्वे और मलाड सब्वे को बंद करना पड़ा है। बता दें बारिश का लोकल ट्रेनों पर भी आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हार्बर लाइन पर सीएसटी और मान खुर्द के बीच लोकल सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गई। वहीं गोरेगांव के शास्त्री नगर में बारिश के चलते कॉलोनी में कमर तक पानी भर गया है। कई गाड़ियां डूब गई। विद्या विहार कुर्ला के बीच लोकल देरी से चली। ट्रांस हार्बर लाइन पर भी लोकल काफी देरी से पहुंचती हुई नजर आई। वहीं मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी थी। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। हालांकि भारी बारिश की वजह से मुंबई में मिठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी के पास रहने वाले करीब 1200 लोगों को बीएमसी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। सायन गांधी मार्केट का पूरा रोड पानी के नीचे चला गया है। गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। सायन गांधी मार्केट से कुर्ला की ओर आने वाले रोड पर भी दादर तक ट्रैफिक जाम लग गया था। सायन स्टेशन पर हर तरफ पानी भर गया। आपको बता दें कि आईएमटी ने बीते दिन चेतावनी दी थी कि ऑरेंज सिर्फ कर रेड अलर्ट भी जारी किया था। शहर में मंगलवार देर रात से ही रुक रुक कर बारिश जारी है जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया। राष्ट्रीय मौसम पुनर्अनुमान केंद्र के वैज्ञानिक आर के जैन मानी ने कहा कि मुंबई के कई रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई शहर में सुबह तक तकरीबन 3 घंटे काफी जोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से शहर में कई जगह पर जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं मछुआरों को सलाह दी गई कि वो उत्तर और दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तक से दूर रहे। हालांकि मुंबई को पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में भी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। कुल पानी का भंडार 2.5 लाख मिलियन लीटर है जो कुल आवश्यक स्टॉक का 17% है। तो बता दें महाराष्ट्र में मुंबई में बारिश से बहुत सारी परिस्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं। बारिश ने बेहाल मुंबई को कर दिया है। काफी जगह लोगों कमर तक पानी भरता हुआ नजर आया। हालांकि इससे लोकल ट्रेन भी पूरी तरह से ठप पड़ गई और आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई। कई जगह पर काफी लंबा जाम भी लगता हुआ देखा गया। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज।
न्यूज़ ऑल इंडिया।